लोग ने लास्ट क्लास लीनियर प्रोग्रामिंग का थोड़ा सा आइडिया देखा था. कैन यू टेल मी हम लोग एलपीपी वाला जो चीज है वो क्या काम के लिए पढ़ते हैं, क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग ये? मैम था कि ऑप्टिमाइज करना है, ऑप्टिमाइज करने के लिए कि गिवन क्राइटेरिया या गिवन कंडीशन या रेस्ट्रिक्शंस जो भी एक कंपनी या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या जो भी चीज है उस पे अगर इम्पोज कर रहे हैं, देन हाउ कैन दैट इंडस्ट्री मैक्सिमाइज इट प्रॉफिट और मिनिमाइज द कॉस्ट और द इन्वेस्टमेंट, ये सारा ऑप्टिमाइज कैसे कर सकती है, उस चीज को स्टडी करने के लिए और उसका सोल्यूशंस ढूंढने के लिए हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं. फिर हम लोगों ने ग्राफ ड्रॉ करना सीखा था. अगर एक्स इक्वल टू थ्री है ये कैसा लाइन होगा? पैरेलल टू वाई एक्सिस. पैरेलल टू वाई एक्सिस. अगर वाई इक्वल टू फाइव है पैरेलल टू एक्स एक्सिस. फिर हम लोगों ने इनइक्वालिटीज को प्लॉट करना सीखा था. अगर इनइक्वालिटी होता है उसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे? इक्वल वाला इक्वल ये टू क्वेश्चन का लेके ग्राफ सॉल्यूशन. बनाएंगे. कब सॉलिड लाइन होगा, कब डॉटेड लाइन होगा? जब अगर इक्वल टू होगा इक्वल टू का तो साइन होगा अगर तो इक्वल्स टू भी है साथ में तो सॉलिड लाइन, वरना डॉटेड लाइन. क्या मीन करता है दोनों? व्हाट्स द डिफरेंस? वो डॉटेड मैम डॉटेड लाइन मतलब कि वो इंक्लूड उसका करता कमेंट नहीं नहीं आता. करता? नहीं समझ में आया. हम डॉटेड लाइन के ऊपर जो पॉइंट होते हैं वो इंक्लूड नहीं होता, बट देन डॉटेड लाइन इज जो पॉइंट्स उस लाइन के ऊपर है वो सोल्यूशन में नहीं होगा. एंड सॉलिड लाइन का मतलब जो भी पॉइंट्स उस लाइन के ऊपर है वो भी आप सोल्यूशन में ले सकते हो. दैट्स द डिफरेंस. मतलब जैसे अगर ये लाइन है आपका एरिया, ये शेड हो रहा है, इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट है 1.2, तो आपके सोल्यूशन में ये 1.2 इंक्लूडेड होगा एज वेल एज जितने भी पॉइंट्स इस लाइन के ऊपर है सब होंगे. लेकिन वही अगर ये लाइन डॉटेड होता, सॉरी ये लाइन अगर डॉटेड होता आपका और इसके ऊपर 1.2 है और फिर आपका सोल्यूशन आ रहा है, तो इस सोल्यूशन में ऊपर का एरिया है लेकिन ये लाइन के ऊपर वाले पॉइंट्स इंक्लूडेड नहीं होंगे. यू कैन नॉट टेक वन कॉमा टू इन योर सोल्यूशन. लाइन के एग्जैक्टली ऑपोजिट मतलब फर्स्ट पॉइंट जो आएगा वो इंक्लूड होगा. हाँ वो होगा, इस लाइन के ऊपर का नहीं होगा. खाली इस लाइन से हटते कितना ही नियरेस्ट में पॉइंट हो वो सब इंक्लूड होंगे लेकिन 1.2 नहीं होगा जो ऊपर. लाइन इंक्लूड नहीं करना. हाँ लाइन इंक्लूड नहीं करना. ओके हम लोग ने एक इक्वेशन किया था, अब उससे ज्यादा इक्वेशन में चलते हैं. फिफ्थ, 2x माइनस 3y लेस देन इक्वल टू 6, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2. तो अगर मुझे इसका प्लॉटिंग करना है तो हम लोग सबसे पहले क्या कंसिडर करेंगे? 2x माइनस 3y इक्वल टू 6 कर देगा. 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 6. अब इसके लिए सबसे पहले डब्बा बनाएंगे. बताओ क्या आएगा डब्बा में? जीरो टू नहीं माइनस टू माइनस टू. फिर वाई जीरो एक्स हो गया थ्री. हमेशा कोशिश करना कि जब आप ग्राफ सपोजिंगली ये जीरो इसमें ले पा रहे हैं. लास्ट क्लास हम लोग ने किया था जिसमें जीरो नहीं ले पा रहे थे क्योंकि आंसर में फ्रैक्शन आ रहा था. ऑलवेज मेक श्योर व्हेन यू ड्रॉ अ लाइन आप उसको इतना एक्सटेंड करो कि वो एक्सिस को काटे. हमेशा उतना इलोंगेट करना कि दोनों एक्सिस को वो काटे, हमेशा याद रखना. सेकेंड आपका इक्वेशन है एक्स प्लस वाई इक्वल टू टू. बोलो जीरो टू टू जीरो. अब आप पहले तो देखो एक्स का मैक्सिमम आपको 3 चाहिए, वाई का आपको सबसे ज्यादा 2 और माइनस 2 चाहिए. तो आपको मेक श्योर करना है कि आपके ग्राफ में ये सारे पॉइंट्स अट जाएं. एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश. जब ग्राफ में ड्रॉ कर रहे होंगे, प्रॉपर सम्स कर रहे होंगे, तब स्केल वेल सब लिखेंगे. फॉर नाउ हम लोग कॉपी में कर रहे हैं तो आप खाली ऐसे ही करा सकते हो. अब जब आप ड्रॉ करोगे ना एक एक लाइन करके करना है, पहले एक लाइन का सब कुछ कर लो. तो
तो पहला है 0, -2 कॉलम वाइज चेक करना कोऑर्डिनेट। 0, -2 का प्लॉटिंग कहाँ होगा? थर्ड कोऑर्डिनेट। नहीं, कोऑर्डिनेट क्वाड्रेंट तो होगा ही नहीं ना, एक्सिस पे। फिर 3, 0 तो मैंने पहले इन दोनों पॉइंट को प्लॉट किया, कोऑर्डिनेट बनना लिखा और इसको पहले ज्वाइन कर लो एरोस, हमेशा उतना कि एक्सिस को काटे एंड राइट इट्स इक्वेशन। हम लोग जब इक्वेशन लिखते हैं हम लोग इक्वल टू वाला इक्वेशन लिखेंगे हमेशा। एक लाइन का काम हुआ, अभी भी बाकी है काम। सब लोग अब ये देखो अच्छे से, इस लाइन के लिए आप कोई भी एक पॉइंट लो और इनइक्वालिटी में डालो जो पॉइंट अच्छा लगे। अगर आप सपोजिंगली नीचे का कोई पॉइंट डाल रहे हो, मैं ये डाल सकती हूँ -0, -3 क्या? 0, -3 कहाँ लाई कर रहा है, ऊपर या नीचे? नीचे। ये है 0, -3 नीचे लाई कर रहा है। अभी 0, -3 को आप इस इक्वेशन में डालो कितना आ रहा है? 9। आपका ये जो लाइन है आपका ग्राफ का दो टुकड़ा कर रहा है, एक उसके ऊपर एक उसके नीचे। सॉल्यूशन को एक एरिया होता है, तो आप कोई भी एरिया का एक पॉइंट उठा लो। मैंने उठाया 0, -3, आपको जो मन करे आप वो उठा सकते हो। लाइन के ऊपर का पॉइंट नहीं लेना, या तो ऊपर लाइन के ऊपर होना चाहिए या लाइन के नीचे। इट कैनॉट बी लाइंग ऑन द लाइन, ठीक है? तो मैंने 0, -3 वाला पॉइंट लिया। अब पहला इक्वेशन में डालो इनइक्वालिटी में 0, -3 कितना आ रहा है? 9 <9 laughs> less than equal to 6 is it true or is it false? False का मतलब हो गया कि जिस एरिया से आपने पॉइंट को उठाया है, मैंने नीचे वाले एरिया से उठाया था, वो सोल्यूशन तो ऑपोजिट साइड को शेड करना है। तो कौन सा साइड शेड होगा? ऊपर वाला। अब क्योंकि एक से ज्यादा लाइन है तो कचरा नहीं करना है ग्राफ में, तो हम लोग क्या करेंगे अभी, खाली आप जब ग्राफ ड्रॉ कर रहे होगे सब कुछ पेंसिल से होगा, खाली पेंसिल से एरो यहाँ पे ऐसे ऊपर की ओर देके छोड़ दो कि भाई इस लाइन के लिए जो मेरा आंसर है वो ऊपर की तरफ है। अभी शेडिंग नहीं करना, हम लोग शेड करेंगे फाइनल एरिया को। ये ठीक है? सबका यहाँ तक ठीक है? किसी को प्रॉब्लम? अब सेकेंड लाइन पे चलते हैं। सेकेंड लाइन के लिए पहले दोनों को प्लॉट कर लेते हैं 0, 2, 2, 0। सो 0, 2 वाई एक्सिस के ऊपर, 2, 0 एक्स एक्सिस के ऊपर। अब इनको ज्वाइन करना है। हमेशा प्रोड्यूस करना है एक्सिस और ऑलरेडी ड्रॉन लाइन को भी इंटरसेक्ट कर लेंगे। इसका इक्वेशन लिखा। अब एक बार के लिए मन में दूसरा वाला लाइन को इग्नोर करो। इस लाइन के नीचे और ऊपर दो टुकड़ा हो रहा है, कोई भी एक टुकड़ा से आपको पॉइंट लेना है। कौन सा पॉइंट लोगे? 0, 0 इसके नीचे है। अब आप इस इक्वेशन में 0, 0 डालो। 0 > 2 0 > 2 ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। तो कौन सा साइड शेड होगा? ऊपर वाला, राइट साइड वाला। ये शेड होगा। अब आप लोग देखो पहला वाला और अभी वाला शेडिंग मिला के कोई कॉमन एरिया है जो दोनों के सोल्यूशन में आ रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड वो सर्कल छोटा सा ट्रायंगल भी तो आ रहा है। हाँ, मतलब फोर्थ का थोड़ा सा पार्ट और फर्स्ट क्वाड्रेंट थोड़ा सा नहीं आएगा मैम। मैम वो थोड़ा सा पार्ट नहीं है लेफ्ट साइड में जो है, इतना ही आएगा शायद। नहीं, जो अपना साइड गया वाई एक्सिस क्रॉस किया ना। ठीक है, वो सब लिखना नहीं है क्या? टेकिंग 0, 0 नहीं, ये सब हम लोग उस वक्त मैंने आप लोगों को पहली बार कर रहे थे इसलिए लिखा था। ये सब नहीं लिखते हम लोग, हम लोग डायरेक्ट शेडिंग ही करते हैं। समझ आए आप लोगों को? आपको जो ये वाला लाइन था, ये लाइन बोल रहा है मेरे ऊपर रखो, फिर ये लाइन भी बोल रहा है मेरे ऊपर रखो, तो दोनों का बात सुनना होगा, आप किसी को भी इग्नोर नहीं कर सकते हो। तो आपका ये वाला एरिया आ रहा है, पूरा गंदगी नहीं मचाना। दोनों में जो कॉमन है वो लेना होगा। हाँ, दोनों में जो कॉमन है सिर्फ वही एरिया शेड करना है। अभी दो इक्वेशन था,
अगर दो से ज्यादा इक्वेशन है तो सब में जो कॉमन एरिया है वो मैम बोलो हितांश देख आपका ये कौन सा सेकंड वाला लाइन का बोल रहे हो ये वाला लाइन x प्लस वाई इक्वल टू टू का बात कर रहे हो मैम अब x प्लस वाई इक्वल टू टू ये प्लॉट हो गया इसके ऊपर और नीचे दो जगह है अब किसी भी एक एरिया का एक पॉइंट बोलो तो या तो ऊपर का या नीचे का जो अच्छा लगे इस लाइन के या तो ऊपर में कोई पॉइंट बोलो या इस लाइन के नीचे का कोई पॉइंट बोलो 0.3 कहाँ पे है वो हम लाइन के ऊपर ये है अब आप इस इक्वेशन में डालो तो 0.3 कितना आ रहा है ग्रेटर देन ट्रू या फॉल्स ट्रू ट्रू तो जिस जगह पे आपका 0.3 है यानी ऊपर वाली जगह आपका लाइन का शेडिंग उधर ही होगा इसलिए मैंने इसके ऊपर शेड किया पहले वाला लाइन का भी हम लोग ने एरो दे रखा है इसके भी ऊपर शेडिंग है तो ऐसा कौन सा एरिया जो इन दोनों को सैटिस्फाई कर रहा है वही मैंने शेडिंग कर दिया देखो ठीक है मैम समझ गया किसी को कुछ बोलना है मैम बोलो मैम लेकिन ये लाइन जो 0.2 को एक्सटेंड क्यों करना है वहां तक नहीं रख सकता था नहीं लाइन तो कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं ना हम लोग लाइन तो पूरा स्ट्रेच लाइन आपका तो पूरा एक्सटेंड हो सकता है ना मैंने खाली दो पॉइंट लिया पर उसके ऊपर तो इनफाइनाइट पॉइंट है आपने छोटा पॉइंट लिया तो उतना ही थोड़ी लाइन सेगमेंट लेंगे हम तो पूरा ही लेंगे जितना हो सकता है ठीक है किसी को प्रॉब्लम बढ़े आगे नेक्स्ट सम ओके मैम बोलो मैम अभी ये हम लोग सारा इनफाइनाइट सॉल्यूशंस का कर रहे हैं ना हाँ अगर सिंगल होता तो जहाँ कट करता है वैसे करके करता ना हम लोग मतलब अगर इनइक्वालिटी में यूनिक सॉल्यूशन आना विल बी वेरी डिफिकल्ट नहीं अगर इनइक्वालिटीज नहीं होता अगर इक्वल टू होता तो वो इक्वल टू है तब तो सॉल्यूशन इनफाइनाइट नो या यूनिक ही होता है मैक्सिमम टाइम तो यूनिक ही होता है इनइक्वालिटी में मेजॉरिटी टाइम्स आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन ही होगा क्योंकि रीजन आ रहा है ना आपके पास आंसर में हर बार हाँ तो या तो नो होगा या आपका इनफाइनाइट होगा यूनिक विल बी द रेयरेस्ट बहुत रेयर ऐसा होगा कि यूनिक सॉल्यूशन होगा ठीक है मैम मैम यूनिक कैसे आएगा लेकिन रेयर केसेस में जहां पे लाइंस कट काटेगा एक दूसरे को हाँ जहां पे लाइंस काट रहा बट आई डोंट थिंक इट्स गोना बी पॉसिबल अनलेस इक्वल हो कोई एक एक को इक्वेशन होना पड़ेगा कोई एक को इक्वेशन होना पड़ेगा क्योंकि अगर दोनों ही इनइक्वालिटी है तब तो एक से ज्यादा पॉइंट आने का मैक्सिमम चांसेस होगा मैम एक इक्वल भी होगा तब भी एरिया ही आएगा ना मतलब मैं ये नहीं बोल रही कभी होगा नहीं देयर मे बी बट बहुत ही रेयर चांसेस होगा उसका पर मैम होने से भी मे बी ऐसा लिमिटेड हो एक सिंगल कैसे होगा आई कैन सर्च फॉर एन एग्जांपल क्या मैम बोलो प्रत्यक्षम मैम अगर हम लोग को शेडेड रीजन में कोई भी कॉमन नहीं हुआ तो मैम सिर्फ वही होगा ना सॉल्यूशन जो लाइन पे पॉइंट्स नहीं नो सॉल्यूशन अगर शेडेड एरिया ही नहीं आ रहा तो लाइन के ऊपर वाला भी कैसे सॉल्यूशन होगा आपका अगर लाइन के ऊपर होना पड़ेगा सपोजिंगली आप एग्जांपल लो ये लाइन है और एक ये है ये लाइन बोल रहे हैं इसके चलो ये तो हो गई अगर तीन चार लाइन है जैसे दो में तो हो गई अगर ये ऊपर बोल रहा है और ये नीचे बोल रहा है तो एट द एंड थोड़ा तो कॉमन आएगा ही आएगा आप लोगों के ठीक है अगर चार पांच होता है तो हम लोग अभी देखेंगे थोड़ी देर में दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपका नो सॉल्यूशन है क्योंकि एक बोल रहा ऊपर जाओ एक बोल रहा नीचे जाओ ऐसे करने के बाद हो सकता है कि नो सॉल्यूशन है अभी मैं दूंगी ऐसे एग्जांपल ठीक है मैम मैम फिर वो इंटरसेक्शन आंसर नहीं होगा क्या आप नहीं जरूरी नहीं है अभी हम लोग करें आप लोग एक बार रुको सारे अभी से स्टार्ट किए मैं आप लोगों को सारी वैरायटीज दिखाऊंगी ग्राफ में दूसरा क्वेश्चन ओके
x माइनस थ्री वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 12 आते हो जाएगा आप लोग के 6 एंड 2x माइनस 3y लेस देन इक्वल टू 12 करो. पहला वाला इक्वेशन 0 माइनस 2 0 और 6 एक सेकंड बोलो 0 माइनस 2 0 और 6 60 60 होगा. हां हां सेकंड इक्वेशन है आपका ट्वाइस x माइनस 3y इक्वल्स टू 12 0 माइनस 4 6 0 माइनस 4 6 0 करिए ड्रॉ. पहले एक लाइन प्लॉट करो उसका शेडिंग करो फिर दूसरा लाइन प्लॉट करो उसका देखो कहाँ शेडिंग होगा. पहला इक्वेशन प्लॉट हो गया क्या? मैम एक मिनट कर. हाँ मैम. पहले सब लोग फर्स्ट इक्वेशन का पॉइंट्स प्लॉट करो और उसका एरोज देखो कौन सा साइड होगा. उसका पॉइंट्स है 0 माइनस 2. सेकेंड पॉइंट है 6 0. नीचे होगा एरो. एक सेकेंड मैं ड्रॉ कर लेती हूँ. इक्वेशन ओके आपने बोला नीचे होगा. बाकी लोग एरो ऊपर है या नीचे? नीचे नीचे नीचे, नीचे मैम. सब लोग अग्री कर रहे हो? किसी को प्रॉब्लम? ये लाइन का आप कोई भी एक पार्ट का वैल्यू डालो अगर 0 0 जो ऊपर लाई करता है वो डालते हैं हम लोग इस इक्वेशन में तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 फॉल्स है. तो जिधर ओरिजिन है उधर शेड नहीं करना है ऑपोजिट साइड शेड करना है. तो शेडिंग नीचे की तरफ होगा. इज इट ओके? हां मैम. ओके नेक्स्ट 0 माइनस 4 फिर से 6 0 ड्रॉ किया वही है. इसमें ऊपर जा रहे हैं ऊपर ओके ये लाइन के भी ऊपर नीचे दो टुकड़ा है. वापस से ओरिजिन जो उसके ऊपर है वो डालते हैं.
अगर आप ओरिजिन डालोगे तो आएगा जीरो लेस देन इक्वल टू 12. ट्रू है. ट्रू है तो शेडिंग किधर होगा? जिधर जीरो जीरो ओरिजिन है उधर शेड होगा, तो ऊपर की तरफ. अब आप देखो कॉमन एरिया क्या होगा सर? ट्रायंगल जैसा कुछ है. ये वाला एरिया अच्छे से एक बार नोटिस करना, कुछ गड़बड़ चलता चला जाएगा ना ये. हाँ ये तो इधर तो चलता चला जाएगा. मैम उस पार भी होगा क्या? नहीं उधर नहीं होगा. नहीं होगा उस साइड भी तो होगा. नहीं होगा. ये वाला एरिया नहीं होगा. नहीं हम नहीं होगा. वो नीचे है ना, ऊपर वाला लाइन ऊपर जा रही है. नहीं किस तरफ है? अपोजिट डायरेक्शन से है. ऊपर वाला लाइन का नीचे है उस तरफ. देखो अगर थोड़ा सा प्रोड्यूस करते हैं जिनको दिक्कत हो रही है, ये मेरा पहला लाइन है. मैम पहला माइनस टू वाला है ना? ये वाला है पहला वाला, इसके ऊपर है. फिर ये वाला लाइन हम लोगों का है, इसके ये नीचे है. तो इन दोनों में तो कॉमन है ही नहीं, तो कॉमन खाली लेफ्ट हैंड साइड वाला ही होगा, ट्रायंगल वाला पार्ट. क्या हुआ देवा? नहीं मैम ये बोल रहा था. ओके अगर उस वक्त जब नहीं करते तो एक बार का लगता है ये बीच का भी होगा, लेकिन थोड़ा सा एक्सपांड करके चेक करते हैं तो आप लोगों को क्लियरली दिखेगा. क्या ये क्लियर है सबका? हाँ मैम. हाँ मैम. किसी को भी प्रॉब्लम? पक्का? हाँ मैम. ओके नेक्स्ट. थोड़ा सा इक्वेशंस बढ़ा रहे हैं. ठीक है मैम. बोलो. कोई लाइन पूरा ओरिजिन पे हो सकता है क्या? पूरा ओरिजिन क्या होता है, मतलब ओरिजिन से पास होने वाला? नहीं मतलब जैसे कि अगर पॉइंट जीरो कॉमा माइनस टू और माइनस टू कॉमा जीरो हुआ. हाँ तो मतलब वो ओरिजिन पे लाई करेगा. आपका पॉइंट ऐसा हो सकता है लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन. आपने जो बोला एक है जीरो कॉमा माइनस टू और एक माइनस टू जीरो, वो लाइन तो ऐसा होगा. नहीं जीरो कॉमा टू दूसरा वाला जो पॉइंट है. बोलो पॉइंट्स. जीरो कॉमा टू ये है. हाँ, और माइनस टू कॉमा जीरो. माइनस टू कॉमा जीरो वो ये है, तो भी तो ये लाइन बनेगा. और अगर जीरो कॉमा माइनस टू हुआ पॉइंट तो सेकंड वाला कैसे पॉसिबल? अगर एक्स जीरो है तो लाइन कैसे हो सकता है वो? आप मेरे को बोल रहे हो x जीरो है तो y का दो वैल्यू आ रहा है, टू और माइनस टू. स्ट्रेट लाइन में ऐसा पॉसिबल होता है? नहीं नहीं, तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा. आप जो बोल रहे हो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होगा. स्ट्रेट लाइन में तो x का अगर एक वैल्यू तो रिटर्न में y को आपको y का आपको एक ही वैल्यू मिल सकता है. एक से ज्यादा कभी मिलेगा ही? ठीक है. अच्छा जब x स्क्वायर है तब हो सकता है. ठीक है. सबका यहाँ तक ठीक है? हाँ. नेक्स्ट. टू एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 70, एक्स प्लस थ्री वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 90, x plus y less than equal to 40. करिए आप लोग ड्रॉ.
फर्स्ट इक्वेशन लिया 2x plus y equal to 70, तो x का वैल्यूज क्या आ रहा है? 0, 7, 35, 0. तो अब आप जब वो स्केल लोगे तो कैसे लोगे पॉइंट्स को? 10 यूनिट 10, 20, 30, 40 वैसे ही लेना, 35 बीच में कहीं आ जाएगा. फिर सेकेंड इक्वेशन x प्लस 3y इक्वल्स टू 90. 0, 30, 90, 0. मैम बोलो, कभी ऐसा हो सकता है कि तीन इक्वेशन दिया जैसे, तो हम लोग का लिमिटेड नंबर ऑफ आंसर्स, जैसे दो आंसर या तीन आंसर? देखो आप लोग लीनियर प्रोग्रामिंग में जा दो. अभी मैं आप लोगों को खाली इक्वेशन ड्रॉ करना सिखा रही हूँ जी. इन सबको ड्रॉ करके हमें चाहिए क्या होता है? हमें जेड का वैल्यू चाहिए होता है, तो वो यूनिक इनफाइनाइट नो तीनों आएगा. अभी तो मैं खाली आप लोगों को शेडेड एरिया ढूंढना सिखा रही हूँ, मैं ऑप्टिमल सोल्यूशन ढूंढना तो सिखा ही नहीं रही हूँ. वो तो बाकी है, जेड को तो कंसिडर ही नहीं हो रहा अभी तक. ग्राफ जो ड्रॉ कर रहे हो आप लोग, तो खाली रेस्ट्रिक्शन ड्रॉ कर रहे हो. जेड कहीं पे भी रेस्ट्रिक्शन के अंदर ही हम लोग का, जैसे की शेडेड एरिया जो है, मतलब एक तरीके से हो सकता है सर्कल नहीं, दो तो मतलब ब्लॉक हो जाए. नहीं नहीं होगा, दो तो होगा ही नहीं. अगर होगा तो या तो इनफाइनाइट हो जाएगा फिर. नो होगा, यूनिक हो सकता है आई थिंक. आई डोंट हैव एन एग्जांपल राइट नाउ, बट दो नहीं. नहीं यूनिक नहीं, मतलब कि जैसे तीन तीन सॉल्यूशन या फिर चार ही सॉल्यूशन. इनफाइनाइट नो या फिर यूनिक, ये तीन ही होगा. दो तीन ऐसा नहीं होगा. ठीक है मैम. मैम ऐसा हो सकता है कि रीजन सेपरेटेड हो, मतलब हाँ आ रही हूँ मैं उस पे, वो हो सकता है, ओवरलैप ही नहीं कर रहा है. हाँ वो होगा. मैम इसका तो कोई भी रीजन कॉमन नहीं आया. आना तो चाहिए. लेट्स सी. 0, 40, 40, 40, 0, 0, 40. अच्छे से ड्रॉ किया सबने? हाँ मैम, कॉमन नहीं आया. ओके हो सकता है दो का कॉमन आ रहा. दो में नहीं आना होगा, सब में आने का. दो में आने से नहीं चलेगा. पहला है 0, 77 and 35, 0. ये हो गया 35, 0 और ये होगा आप लोगों का 0, 70. ये आपका फर्स्ट लाइन. इसका इक्वेशन का शेडिंग कहाँ है? ऊपर 4 इंच के दूसरा तरफ होगा. 0, 0, 0 डाला तो 0 greater than equal to 70 सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसलिए हम लोगों का शेडिंग ऊपर की तरफ होगा. ओके नेक्स्ट इक्वेशन 0, 30 ये रहा, 90, 0 ये रहा. इसका इक्वेशन है x प्लस 3y इक्वल टू 90. किधर है इसका शेडिंग? ऊपर ऊपर है. इसका भी ऊपर है क्योंकि ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. थर्ड 0, 40, 40, 40, 40, 40. ये हो गया 40, 0. ये हो गया 0, 40. लाइन ड्रॉ कर रहे हैं. थोड़ा सा मेरा ऊपर हो गया तो x plus y equal to 40. इसको ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है? हाँ हाँ ये नीचे होगा, ये नीचे हो रहा है.
अब इधर राइट हैंड साइड में तो कोई सा नहीं है क्या, ऊपर की तरफ भी कोई सोल्यूशन नहीं आ रहा है? नहीं नहीं तो ठीक है, नो सोल्यूशन। तीनों में नहीं आ रहा, दो में कॉमन आ रहा है लेकिन तीनों में कॉमन नहीं आ रहा, इसलिए नो सोल्यूशन। ठीक है, हाँ ये तो थोड़ा कंफ्यूजिंग है मतलब देखने में कि शेडेड कॉमन है या नहीं। इस थोड़ा तो मेहनत होगा ही, आप लोग ने एक एक करके अगर प्लॉट करते हो क्लियरली एरो दे दो, अब आप देख लो कौन सा आपका क्या ऐसा कोई एरिया जो तीनों में कॉमन आ रहा है, ये तो नॉर्मल है, हार्ड तो नहीं है इसमें कुछ। आप थोड़ा शांति से देखना पड़ेगा, अगर ज्यादा ही क्वेश्चन होता है यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, दैट आई एग्री। मैम ये जो x plus y equals to 40 वाला था, अगर ये ऊपर भी होता तभी भी कॉमन होता क्या कुछ? तब तो कॉमन होता ही अगर ऊपर होता। कौन सा वाला पार्ट कॉमन होता मैम? अगर देखो अगर ऊपर होता ये इसके ऊपर, ये जो रेड वाला है अगर सपोजिंगली अगर वो ऊपर होता उसका ड्रॉइंग कर रही हूँ मैं, ठीक है, तो पहले तो ये लाइन बोलता है इसको ऊपर जाने, फिर ये ब्लू वाला इसको नीचे ही नहीं जाने देता, क्यों हो जाता, इट इज लाइक आपका वो वाला लाइन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। अच्छा ठीक है, मतलब उससे कुछ उसको उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है मैम। मैम बोलो मैम, इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, पहले दो कर लेता है मैम, फिर दो के लिए मैम कर लेता है मैम, ऊपर होगा कि मैम मतलब कौन सा ग्राफ बनेगा? नहीं एक ही ग्राफ है, मतलब हम लोग मैम रफली अगर मैम दो के बीच में क्या कॉमन है वो करके एक बार मैम साइड में मतलब कर ले रहा। आप रफ में बना लो यहाँ पे, जैसे साइड में पहले रफली दो लाइन बना लो, जैसे आपका पहले वाला ये था और आपका सेकंड वाला कुछ ऐसा था, तो आपको ये एरिया मिला। अब आप थर्ड वाला ड्रॉ कर लो तो कुछ नहीं आता कॉमन। हाँ ठीक है, बेटर है, ये तो पेंसिल से बनाना है, बना लो रफ में, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है मैम, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। मैम इक्वेशंस हमेशा ग्रेटर देन इक्वल का मतलब, इसमें सपोज तीनों ग्रेटर और इक्वल मतलब ऐसा ही है ना, मतलब कोई अगर एक टू सिर्फ ग्रेटर या लेस देन होता तो डॉटेड लाइन बनता, इतना ही तो फर्क आता, और तो कोई फर्क ही नहीं आता। मतलब ऐसा इक्वेशन होता है ना, मतलब होता है। हम लोग यूजुअली नहीं करते क्योंकि आप प्रैक्टिकली कभी ऐसा होता नहीं है ना, हम लोग प्रैक्टिकली क्या स्टडी करते हैं कि या तो मेरे को 90 चाहिए, मेरे पास सपोज मिनिमम रिक्वायरमेंट है 90, अगर आप डाइट का ले लो, ठीक है, अगर आप डाइट का बात कर रहे हो, अगर डाइट के सम से, तो क्या होता है कि मेरे को सपोजिंगली एक दिन में ऐसे खाना है कि मेरे को सपोजिंगली 20 यूनिट प्रोटीन मिल जाए, मेरे को 10 कार्बोहाइड्रेट मिले, इतना कैलोरीज मिले, तो ये आपका फिक्स्ड होता है। तो ये क्या हो गया, आपका ये मैक्सिमम हो सकता है या फिर मिनिमम हो सकता है। अगर मिनिमम है तो डॉट उतना होगा तो भी चलेगा, उससे ज्यादा होगा तो भी चलेगा। हम लोग कभी भी ऐसे बोलते मेरे को 30 से ऊपर चाहिए, हम लोग क्या बोलते हैं मुझे मिनिमम 30 चाहिए, तो प्रैक्टिकली हमेशा वो लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू ही होता है। स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन या स्ट्रिक्टली लेस देन तो खाली थियोरेटिकल हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम केस में उतना ही होता है। हम लोग जब बोलते हैं कि दिन में इतना आपको प्रोटीन कंज्यूम करना ही चाहिए तो वो मिनिमम होता है ना, अगर आप डॉट उतना ही कंज्यूम कर रहे हो वो भी तो चलेगा। ठीक है, हम लोग आएंगे उस पर, प्रोटीन का, ट्रांसपोर्टेशन का, ये सारा वैरायटी स्टडी करेंगे, ये ठीक है। लास्ट एक और इक्वेशन का ड्राइंग करते हैं, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 400, 2x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 1200, 2x plus 1.5y greater than equal to 900.
हमें थर्ड को हम लोग इनटू टू कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो। या मैम एक चीज देखो, अभी जैसे मेरे को काव्य ने बोला कि मैं थर्ड इक्वेशन को इनटू टू कर सकती हूँ, अगर मैं इनटू माइनस टू करूं तो क्या होगा? मैम माइनस एक्स नहीं, सॉरी माइनस फोर एक्स माइनस साइन चेंज होगा, साइन चेंज हो जाएगा। देखो टू इज लेस देन इक्वल टू थ्री, तो अगर आप इसमें कोई भी पॉजिटिव नंबर इंटू करते हो, मैं दोनों में सपोज फोर इंटू कर रही हूँ, एट ट्वेल्व, इनइक्वालिटी में कोई फर्क आ रहा है? नहीं। लेकिन अगर मैं माइनस इंटू फोर इंटू करती, माइनस एक फर्क हो जाता, गलत होता, उल्टा हो जाता इनइक्वालिटी। तो अगर आप कोई पॉजिटिव नंबर से इंटू करते हो इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं आता, पर अगर आप कोई नेगेटिव नंबर से इंटू कर रहे हो तो इनइक्वालिटी एग्जैक्ट उल्टा हो जाएगा। ठीक है, मैम बोलो। हम तो अगर थर्ड वाले इक्वेशन के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करें तो हम लोग कोई इनइक्वालिटी के साथ मल्टीप्लाई करना होगा या फिर कंसीडर करने के बाद मल्टीप्लाई करना होगा? नहीं, आप इनइक्वालिटी में कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए मैंने इनइक्वालिटी का लॉजिक बताया। आप अगर पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इनइक्वालिटी में कर सकते हो डायरेक्ट। पहला इक्वेशन लिया, जीरो फोर हंड्रेड, फोर हंड्रेड जीरो, बढ़िया। सेकेंड इक्वेशन जीरो फोर हंड्रेड, जीरो सिक्स हंड्रेड जीरो, जीरो फोर हंड्रेड सिक्स हंड्रेड जीरो, सिक्स हंड्रेड जीरो। आप लोग अगर मल्टीप्लाई करके कर रहे हो ठीक है, नहीं कर रहे हो तो भी, जीरो सिक्स हंड्रेड फोर फिफ्टी जीरो, जीरो सिक्स हंड्रेड एंड फोर फिफ्टी जीरो, बढ़िया। बनाइए ड्राइंग, हम इसे सेकंड इक्वेशन में मैम दो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो पॉसिबल ही नहीं है। आपको ड्रॉ तीनों करना है, लेकिन एक ड्रॉ करके नहीं छोड़ देना। हाँ, इसका ही नहीं हो रहा है तो बाकी ड्रॉ करने का जरूरत नहीं है। पहला वाला जीरो फोर हंड्रेड, फोर हंड्रेड जीरो, एलपीपी में बहुत जरूरी है कि आप एक्यूरेसी से करो। इसका शेडिंग कहाँ है? नीचे ओरिजिनल तरफ। नेक्स्ट आपका पॉइंट है जीरो फोर हंड्रेड बना हुआ है, सिक्स हंड्रेड जीरो, इसका शेडिंग ऊपर का है। ये दो लाइन में तो कॉमन है ही ऐसा, इन दो में तो ये छोटा ट्रायंगल है ना कॉमन,
तीसरा आखिर कांड करते हैं। ओके सो 0600 ये रहा, 450 यहाँ पे है। तो 2x plus 1.5y equals to 900। इसका शेडिंग क्या बोल रहे हो? मतलब जो हम मल्टीप्लाई किया उसके पहले नहीं, ओरिजिनल ऊपर। तो ये तो डेफिनेटली नो सॉल्यूशन है जो चेतन ने उस वक्त बोला ही था। आप पहले बाकी का कर लो, दो का, फिर तीसरा वाला करोगे। तो पहले हम लोग ने जब किया था तो हम लोगों को ये एरिया मिल रहा था, लेकिन अब जब बनाया तो वो तो ऊपर चला गया, तो नो सॉल्यूशन। मैम मतलब अगर कभी भी ऐसा इनइक्वालिटी में दो ग्रेट है और एक उल्टा साइन होता है तो यूजुअली नहीं होता है ना? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मैम अभी ये जो एक्स एक्सिस में जो 400 है, हाँ, उसके पास में जो आप एरो दिया वो ऊपर की तरफ नहीं होना चाहिए था? मतलब ये वाला जो लाइन है ये तो ऊपर है। नहीं नहीं, उसके नीचे जो आप एरो दिया x plus y का, x plus y less than equal to 400 है ना, तो ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है। अच्छा हाँ ठीक है। मैम बोलो। मैम कभी ऐसा हो सकता है कि हम लोग का जैसे तीन इक्वेशन दिया हुआ है, दो इनइक्वालिटी का है और एक प्रॉपर इक्वेशन है इक्वल टू वाला? मे बी, रेयर चांस हो सकता है मे बी। अगर ऐसा होगा तब तो, अगर आंसर होगा तो वो लाइन का सोल्यूशन ही होगा, वरना होगा ही नहीं। क्योंकि मैम दो में तो मैम एरिया का बात आ जाएगा और एक में मैम खाली लाइन का बात आ जाएगा। बात तो एक ही है, दोनों में होते तो पॉइंट्स ही हैं, तो ऐसा बात नहीं कि नहीं हो सकता। अगर उस ऐसा कोई केस आएगा तो अगर आपका सोल्यूशन पॉसिबल है तो या तो वो होगा जो पॉइंट्स उस लाइन के ऊपर है, क्योंकि उस लाइन को अगर सेटिस्फाई कर रहा है तभी सोल्यूशन में होगा, अदरवाइज तो सोल्यूशन होगा ही। एरिया के अंदर भी आ रहा है तब हो जाएगा ना? हाँ तभी होगा। ठीक है मैम, नहीं समझा। जैसे अभी जो चेतन ये बोल रहा है कि सपोजिंगली ऐसा है, इन दोनों से आपको सोल्यूशन ये वाला एरिया मिल रहा है सपोज, ठीक है, फिर आपको एक लाइन दिया गया है, वो लाइन में इक्वल्स टू है, वो लाइन में इक्वल टू है, तो ये ब्लैक वाली जो लाइन है अगर उसमें इक्वल टू है तो पॉइंट्स तो उसके बाहर जा ही नहीं सकते, उसके ऊपर ही होना पड़ेगा। तो आपका सोल्यूशन क्या होगा? ये ए से लेके बी रीजन तक इस ब्लैक लाइन के ऊपर जितने पॉइंट्स है वो सारे हो जाएंगे। समझ आया? वापस बोल रही हूँ, आपका जो दोनों रेड लाइन है दोज वेर इनइक्वालिटीज, तो उनको ड्रॉ करने से आपको ये शेडेड एरिया मिला, लेकिन जो तीसरा था दैट वॉज एन इक्वेशन, तो इक्वेशन का सोल्यूशन कौन होता है? जो उसके ऊपर होता है। अब इन तीनों को अगर कंसिडर करो तो इस शेडेड एरिया में जो लाइन का टुकड़ा है यहां से यहां तक, आपका एरिया खाली उतना ही हो सकता है, आपका आंसर सॉरी उतना ही हो सकता है जो इस लाइन के ऊपर ब्लैक लाइन के ऊपर में बैठे हुए, ना उसके ऊपर ना उसके नीचे। ठीक है मैम, ऐसा सम आता है क्या जिसमें दो इनइक्वालिटी और तीसरा इक्वल? नहीं, आप लोग इनइक्वालिटी से ही डील करोगे। मैम एक बार आप लास्ट पेज दिखा सकते हैं? मैम इसमें बोला है ना कौन सा ट्रायंगल कॉमन है, कौन सा पहला दो इक्वेशन जब ड्रॉ किया था तो ये कॉमन आ रहा था, लेकिन जैसे तीसरा इक्वेशन ड्रॉ किया वो तो कम्प्लीटली फर्स्ट क्वाड्रेंट के साइड जा रहा है, तो ये ट्रायंगल तो उसमें आएगा ही नहीं फिर सॉल्यूशन में। ठीक है मैम। मैम एक डाउट था। बोलो। जो पिछला वाला डायग्राम बनाया तो मैम जैसे दो लाइन इंटरसेक्ट करके एक रीजन, ये वाला नहीं जो चेतन अभी जो बना था, तो मैम जैसे दो लाइन एक रेड कलर का ये इंटरसेक्शन वाला आया, तो अगर इसमें डॉटेड लाइन होता जो ब्लैक वाला लाइन की जगह, तो कौन सा रीजन होता उस ब्लैक लाइन को छोड़ के? ब्लैक लाइन डॉटेड कैसे हो सकता है, वो तो है ही इक्वेशन। नहीं हम बोल रहे अगर इसके जगह होता तो, मतलब अगर डॉटेड लाइन होता। आप क्या बोल रहे हो? मैंने ब्लैक लाइन क्यों बनाया? बिकॉज आई गॉट एन इक्वेशन लाइक दिस। इक्वेशन में डॉटेड कैसे हो सकता है? इनइक्वालिटी में डॉटेड होता है ना।
हाँ मतलब अगर इक्वेशन में इनइक्वालिटी हो तो लाइन डॉटेड होगा. इक्वेशन में इनइक्वालिटी कैसे होता है? इनइक्वालिटी ही होता है फिर तो. तब तो ये ब्लैक वाले के लिए भी सोल्यूशन एक रीजन होगा, वो तो आप अभी कर ही रहे हो. तो हम जब देखो आप ये बोल रहे हो मेरा ये सोल्यूशन आ गया, सुन लो मेरा ये सोल्यूशन आ गया, फिर मुझे एक इनइक्वालिटी दिया हुआ है, तो उस इनइक्वालिटी के लिए मैंने ये लाइन बनाया. अब सोल्यूशन या तो उसके ऊपर का होगा या नीचे का. अगर ऊपर का है तो ये वाला कॉमन एरिया हो जाएगा. हाँ मैम ठीक. और किसी को कोई सिनेरियो में डाउट? मैम अभी क्या हुआ, हम मिस कर दिया, डिस्कनेक्ट हो गया था. आप मैं पहले पहली वाली में मैंने बोला था ये एक इक्वेशन है. अब मेरे को तितिक्षा ने बोला ये अगर कुछ ऐसा है, तो मैंने ये ब्लैक लाइन में डॉटेड बनाया. अब इसका रीजन इसके ऊपर है सपोज, तो कॉमन एरिया ये वाला रीजन हो जाएगा ना. अगर डॉटेड लाइन है तो लाइन के ऊपर का पॉइंट नहीं ले सकते, पर उसके लाइन के ऊपर में जो लाई कर रहे पॉइंट्स वो नहीं ले सकते, बट उसके ऊपर के प्लेन में जो लाइन पॉइंट्स होंगे वो तो ले सकते. सबका क्लियर है? हाँ मैम. हाँ मैम. ठीक है.